हैदराबाद नगर में भारी बारिश के चलते अधिकांश निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने से हाहाकार मचा हुआ है। अधिकांश इलाकों में लोग बारिश के पानी में फंस गए हैं और जीएचएमसी के कर्मचारी सहित एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव व राहत कार्य में जुट गई है। तेलंगाना में लगातार हो रही भारी बारिश से अब तक कम से कम 12 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। हैदराबाद के कई निचले इलाके जलमग्न हैं और लोग कई तरह की समस्याओं से दोचार हो रहे हैं। कई नदियों, तालाब व नाले उफान पर है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वहीं कई इलाके कॉलोनियों में अब भी पानी भरा हुआ है। लोग इसे निकालने में परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर कार, ऑटो और कई बाइक बाढ़ के पानी में बह गए। इस संदर्भ में सरकार ने राहत कार्यों को आगे बढ़ाया है। स्थिति के मद्देनजर तेलंगाना शासन ने यहां आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बुधवार और गुरुवार 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालय जीएचएमसी क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। छुट्टियों की घोषणा करने का निर्णय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। अवकाश आदेश मुख्य सचिव सोमेश कुमार द्वारा जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने भी जीएचएमसी के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को राहत शिविरों की व्यवस्था करने और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की सलाह दी है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक कोई जरूरी आवश्यकता ना हो बाहर ना निकले। ¿Qué quieres? 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 ¿Qué quie